हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक MSITI के ऑनलाइन पोर्टल में स्वागत करता हूँ। तो ये वीडियो हमारी फर्स्ट ईयर रिलैक्सेशन थ्योरी की रहेगी, अगली क्लास। तो स्टूडेंट, कल हमने देखा था, कल हमने सेमीकंडक्टर देख लिया था, अर्धचालक देख लिया था, ठीक है। तो आज हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट चालक पदार्थ है, जो इम्पोर्टेंट कंडक्टर हैं, जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो स्टूडेंट, पहला कंडक्टर हम क्या देखेंगे, चांदी, ठीक है। चांदी को क्या बोलते हैं, सिल्वर। सिल्वर पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, यह उत्तम चालक होता है। और क्या दूसरा पॉइंट है, इसकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। अगला पॉइंट है, बहुत जरूरी होने पर ही इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपको पता है चांदी बहुत महंगी होती है, पर मैं आपको बता दूं कि जितनी भी कंडक्टर पाए जाते हैं इस दुनिया में, सबसे बेस्ट क्या होती है, सबसे बेस्ट चांदी होती है, ठीक है। तो ये अच्छा उत्तम चालक है और इसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, सबसे अच्छा यही होता है। पर क्या है, ये बहुत महंगा है, इसलिए इसका उपयोग अपन ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं अपन, जब बहुत ज़रूरी काम होता है, ठीक है, वहीं बस इसका उपयोग करते, सब जगह नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं था उतना, तो मैंने आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी इसके बारे में। अगली धातु क्या है, अगली धातु है गोल्ड, ठीक है, सोना। ये भी क्या है, उत्तम चालक है, पर ये क्या है, ये भी बहुत महंगा होता है, मूल्यवान होता है, इसलिए उसका उपयोग विद्युत कार्यों में नगण्य होता है। नगण्य मतलब क्या, ना के बराबर, मतलब इसका उपयोग भी बहुत कम जगह ही किया जाता है, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है। सबसे अच्छा चालक क्या होता है, चांदी, उसके बाद होता है सोना, उसके बाद क्या होता है, तांबा, ठीक है। सोना भी हो गया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसके में लिए आपको तीन पॉइंट बहुत है। अगला क्या दिया है, कॉपर, ठीक है। आपको पता है कॉपर बहुत यूज़ करते हैं अपने, जितने तार आते हैं कॉपर एल्यूमिनियम के ही रहते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, कॉपर में पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, यह तन और आघात बर्द होता है। तन क्या होता है, आघात बर्द क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ उसके पहले वाली वीडियो में, फिर से बता देता हूँ। तन क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके द्वारा उस पदार्थ के तार खींचे जा सकते हैं। और आघात बर्द क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिससे क्या, उसके पीट पीट के चादर बनाए जा सके, ठीक है। अगला पॉइंट दिया हुआ है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध बहुत कम होता है, ठीक है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए कॉपर अच्छा है। मैंने आपको बताया था कि जो अच्छा चालक होता है उसका विशिष्ट प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। जब उसका विशिष्ट प्रतिरोध कम होगा तब उससे क्या होगा, धारा अधिक से अधिक बहेगी, है ना। तो ये दूसरा पॉइंट भी है। अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, यह आसानी से प्राप्त हो जाती है। आपको पता है तांबा बहुत महंगी नहीं होती है, सोना चांदी जैसी, ये हमें क्या आसानी से उपलब्ध हो जाती है, इसलिए क्या होता है, इसका उपयोग विद्युत कार्यों में बहुत अधिक किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, इससे क्या बनता है, इससे हम तार, केबल, अर्थिंग, इलेक्ट्रोड, बस बार आदि का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो बस बार क्या होता है, मैं आपको फिर कभी बताऊंगा अच्छे से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉपर के लिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा कॉपर यूज़ किया जाता है, आप देखते हैं, है ना, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, बहुत अच्छा चालक होता है, ये थर्ड नंबर का अच्छा चालक, बेस्ट चालक होता है, इसलिए कॉपर का यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, अगला पॉइंट है एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम में पहला पॉइंट दिया हुआ है, ये हल्की व जंग रोधी धातु है। आपको पता है एल्यूमिनियम में जंग नहीं लगती, ठीक है, और सबसे हल्की धातु भी होती है एल्यूमिनियम बहुत, तो ये अच्छी है, ठीक है। भारत में इसका अधिक मात्रा में, ये भारत में क्या होती है, बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, ज़मीन से बहुत अधिक मात्रा में क्या है, निकाली जाती है। अगला पॉइंट है, इसका उपयोग तांबे के स्थान पर किया जाता है, क्योंकि क्या होता है, तांबा महंगा होता है, एल्यूमिनियम थोड़ा सस्ता होता है, इसलिए इसका उपयोग अपन तांबे के स्थान पर भी करते हैं। पर ये अच्छा नहीं होता है, ज़्यादा हीट होता है और इसका प्रतिरोध जो होता है थोड़ा ज़्यादा होता है कॉपर के कंपेयर में, ठीक है, इसलिए। पर ये सस्ता आता है, इसलिए इसको उपयोग कर लेते हैं। और जहाँ अपन को हल्की तार चाहिए पड़ती हैं ओवर हेड लाइन वगैरह में, वहाँ भी क्या एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं, क्योंकि जो एल्यूमिनियम होता है वो कॉपर से क्या होता है, हल्का होता है। अगला है, इसकी मजबूती कम होती है। आपको पता है फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम जो होता है वो उसकी मजबूती कम होती है, है ना। आपने देखे होगा एल्यूमिनियम के वायर जल्दी टूट जाती हैं, जबकि कॉपर के वायर लंबे समय तक चलती हैं। पर फर्क क्या है कि एल्यूमिनियम ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध और सस्ता है, इसलिए इसका यूज़ करते हैं अपन, पर कॉपर थोड़ा महंगा पड़ता है एल्यूमिनियम के कंपेयर में और कम मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है। तो चलते हैं अगले पे हम। तो स्टूडेंट, अगली धातु क्या है, अगला कंडक्टर क्या है, टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन में, टंगस्टन क्या होता है, पहले आपको बता दूं कि टंगस्टन जो बल्ब की, भाई जो फिलामेंट लगा होता है बल्ब के अंदर, जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। और जो ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट के अंदर जो फ्लोरोसेंट ट्यूब, ट्यूबलाइट को क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब बोलते हैं। उस ट्यूब के अंदर भी क्या होता है, ये टंगस्टन का ये फिलामेंट क्या होता है, लगा होता है, क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या हुआ है, यह उच्च गलनांक वाली तन्य और कठोर धातु होती है, ठीक है। इसका गलनांक होता है उच्च, उच्च गलनांक क्यों चाहिए, क्योंकि बल्ब क्या होता है, बल्ब गर्म होता है, अगर इसका गलनांक कम होगा तो ये जल्दी पिघल जाएगी और बल्ब हमारा खराब हो जाएगा, इसलिए क्या चाहिए अपन को, ऐसी चीज़ चाहिए फिलामेंट बनाने के जिसका क्या हो, गलनांक उच्च हो, ठीक है। तो टंगस्टन ऐसी धातु होती है जिसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। और तन्य का मतलब तो आपको पता है, ठीक है, और यही कठोर धातु है। अगला लिखा हुआ है,
इसका उपयोग विद्युत बल्ब एवं फ्लोरोसेंट ट्यूब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है, जो मैंने आपको बता दिया। अगला पॉइंट है यह स्टूडेंट, अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, अगला पॉइंट दिया हुआ है यह उच्च तापमान कितना 3400 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर पिघलता है। ठीक है, इसका उच्च तापमान में पिघलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका क्या, अपन फिलामेंट बनाते हैं और बल्ब गर्म होता है तो फिलामेंट बहुत जल्दी पिघल जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका तापमान, इसका क्या होता है, उच्च तापमान पर यह क्या होता है, पिघलता है। तो अगली धातु क्या है, अगली धातु है नाइक्रोम। ठीक है, नाइक्रोम क्या है, एक मिश्र धातु है एक्चुअली में। ये किस किस की बनी होती है, इसमें क्या होता है 80% निकेल होता है और 20% क्या होता है, क्रोमियम होता है। और क्या होती है, इसका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। ठीक है, ये एक मिश्र धातु है। तो नाइक्रोम का उपयोग कहाँ किया जाता है, जो आपकी हीटर होता है, हीटर जिसमें खाना वगैरह पकाते हैं, उस हीटर में जो वायर होते हैं वो किसके बने होते हैं, नाइक्रोम के बने होते हैं। और जो आपका हेयर ड्रायर होता है, हेयर ड्रायर से गर्म हवा बाहर आती है, तो हेयर ड्रायर के अंदर भी क्या होती है, नाइक्रोम की वायर लगी होती है। जब इसमें करंट फ्लो होता है तो ये क्या होती है, लाल हो जाती है, गर्म हो जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या होती है, नाइक्रोम होती है, नाइक्रोम की वायर लगी होती है। अगला है ये तन व सुदृढ़ धातु है। ठीक है, ये तन होता है, इसके तार बनाए जा सकते हैं, और क्या होती है, सुदृढ़ में कठोर धातु है। अगला है इसका उपयोग कहाँ करते हैं, विद्युत केतली, विद्युत प्रेस, टोस्टर आदि, है ना। तो आपकी केतली होती है, जो इलेक्ट्रिक केतली होती है, इसमें चाय गर्म करते हैं बिजली मिला के, उसके अंदर भी क्या होता है, नाइक्रोम का वायर लगे होते हैं। और जो आपकी रॉड होती है, मसलन हीटर वाली रॉड, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी नाइक्रोम के वायर लगे होते हैं। इसके अलावा जो टोस्टर होता है, सब में क्या होता है, नाइक्रोम का वायर यूज किया जाता है। तो अगला क्या दिया हुआ है, अगला है यूरेका। तो जैसा आपने नाइक्रोम देखा वैसे ही क्या होता है, यूरेका होता है। इसका यूज सेम ही है, पर इसमें क्या होता है, इसमें 60% तांबा होता है और 40% निकेल होता है, बाकी काम इसका सेम है। इसका भी उपयोग क्या करते हैं, इसका उपयोग ऊष्मा उत्पन्न करने में किया जाता है। ऊष्मा उत्पन्न करने मतलब जहां अपन को गर्मी प्राप्त करनी हो या कुछ चीज गर्म करनी हो, वहां किसका यूज किया जाता है, यूरेका का यूज किया जाता है, या नाइक्रोम का यूज, दोनों में से किसी का भी कर सकते हैं। पर जो नाइक्रोम होता है वो ज्यादा अच्छा गर्म होता है, यूरेका उससे थोड़ा कम गर्म होता है। यहाँ दिया हुआ है अगला दूसरा पॉइंट, यह है तन व उच्च विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु है। ठीक है, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होगा तभी क्या होगी, ये ज्यादा गर्म होगी। और ये तन है, तन मतलब इसके तार इसके भी बनाए सकते हैं। ठीक है, तो जो आपकी गर्म करने वाली चीज होती है, उसमें अपन नाइक्रोम यूज करते हैं या फिर यूरे का यूज करते हैं, पर मैक्सिमम केस पे क्या, नाइक्रोम यूज किया जाता है। अगला क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है मैग्नीन। ये भी क्या है, एक मिश्र धातु है। किससे किससे मिलकर बनी होती है, इसमें 84% तांबा होता है, 12% मैग्नीज होता है और 4% निकेल होता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग प्रतिरोध बनाने में करते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे हाथ में आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसमें ये जो तार लगे, जो आप तार दिख रहे हैं, किसके हो सकते हैं, ये तार किसके हैं, ये तार मैग्नीन के हैं। ठीक है, कभी कभी इसकी जगह नाइक्रोम के तार भी अपन यूज कर लेते हैं, पर यहाँ मैग्नम केस में क्या होता है, ये तार मैग्नीन के ही होते हैं। ठीक है, और ये जो मैंने आपको लिखा हुआ है परसेंटेज वैल्यू, ये आपको याद करनी है, क्योंकि इनकी परसेंटेज वैल्यू पेपर में आती है, इसलिए मैं लिखी हुई है। ठीक है, तो आपको ये परसेंटेज वैल्यू भी याद होना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।